हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पे। आज हम आप सब लोगों के लिए लाए हैं कुक्कुट पालन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिका। क्वेश्चन नंबर दो है, मुर्गी में नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? 20 से 40। क्वेश्चन नंबर तीन है, मुर्गी की श्वसन गति मिनट में कितनी होती है? 15 से 20। क्वेश्चन नंबर चार है, सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल है? वाइट लेग हॉर्न। क्वेश्चन नंबर पाँच है, अंडे में एल्ब्यूमिन का कार्य होता है बढ़ते हुए भूड़ को भोजन देना। क्वेश्चन नंबर छः है, मुर्गी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नस्ल है? यह ब्रह्मा है। क्वेश्चन नंबर सात है, किस मुर्गी की नस्ल में दाढ़ी होती है? मिनोरिका मुर्गी की नस्ल में दाढ़ी होती है। क्वेश्चन नंबर आठ है, मुर्गी में बिछावन को कहते हैं, मुर्गी में बिछावन को लीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ है, रानी खेत के प्रथम दिन के टीका को कहते हैं, ये कहते हैं निसोजेनिक स्टैन। क्वेश्चन नंबर दस है, पाउल कलर बीमारी होती है मुर्गियों में जो जीवाणु द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह है मुर्गियों में लकवा बीमारी किसकी कमी से होती है? ये विटामिन डी की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर बारह है, रानी खेत बीमारी मुर्गियों में किस वायरस द्वारा होती है? ये पैरामिक्सो वायरस द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर तेरह है, मुर्गियों में खूनी दस्त किसके द्वारा होती है? ये प्रोटोजोआ द्वारा होती है, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर चौदह है, मुर्गियों की भयंकर बीमारी है, मुर्गियों की जो भयंकर बीमारी है बहुत ही, ये रानी खेत है। क्वेश्चन नंबर पंद्रह है, अंडे में सबसे अधिक भाग होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, CaCO3। मुर्गी अंडे देना प्रारंभ करती है, जो मुर्गी है 5 से 6 माह में अंडे देना प्रारंभ करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, युवा मुर्गी को रहने की आवश्यकता होती है, ये 2 से 3 वर्ग फीट होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रानी खेत का टीका पहला लगाया जाता है, रानी खेत का टीका तो 5 से 7 दिन में पहला लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुर्गी में युवा मादा को कहते हैं, ये गिजार्ड कहते हैं, गिजार्ड। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुर्गी का ब्याना कहलाता है हैचिंग। क्वेश्चन नंबर 21 है, चूजों में पेसिस किसकी कमी से होती है? ये मैग्नीशियम की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर MN की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर है जो 22, पक्षी विज्ञान के जनक हैं, ये डॉक्टर सलीम अली हैं, पक्षी विज्ञान के जनक। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रीय कुक्कुट प्रजनन फॉर्म है ये हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुर्गी के अंडे का तापमान होता है ये 104 फारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व में मुर्गी पालन में भारत का स्थान है ये तृतीय स्थान है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुर्गी के शिशु को कहते हैं चिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बढ़िया मुर्गी को कहते हैं कैपन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे अधिक मुर्गी फार्म स्थित हैं, ये पंजाब में सबसे अधिक मुर्गी फार्म स्थित हैं। अंडे की टोकरी कहा जाता है, अंडे की टोकरी जो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मांस के उद्देश्य से पालन ये बायलर कहलाता है, बायलर। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंडे के उद्देश्य से पालना कहलाता है ये लेयर कहलाता है मुर्गी को। क्वेश्चन नंबर 32 है, चोंच काटने की क्रिया कहलाती है ये डीविटिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर जो 33 है, मुर्गी में गुणसूत्र होते हैं, जो मुर्गी में गुणसूत्र होते हैं 2n = 78 होते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो 34 है, भारतीय मुर्गी वर्ष में कितने अंडे देती है? जो भारतीय मुर्गी है तो 60 अंडे देती है, 60। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का मुर्गी पालन में कौन सा स्थान है? जो भारत का विश्व में मुर्गी पालन में 7वां स्थान है।
क्वेश्चन नंबर 36 है, मुर्गी में कितने प्रतिशत मांस होता है? मुर्गी में 72% मांस होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गी प्रतिवर्ष कितने अंडे देती है? ये 180 यानी कि 180 अंडे देती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कृत्रिम विधि से प्रजनन में वीर्य की मात्रा होती है, ये कृत्रिम विधि से प्रजनन करेंगे तो 0.05 ml प्रति हेन मुर्गी के सीमन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मुर्गी में समागम कराने की कौन कौन सी विधि है? दो विधि हैं, एक नेचुरल विधि एक आर्टिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंडा देने वाली मुर्गी के लिए प्रति मुर्गी प्रतिदिन कितना दाना देते हैं देना चाहिए? ये 100 से 120 ग्राम देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी का उद्भव स्थान है, ये उद्गम स्थान है इटली में व्हाइट लेग हॉर्न। क्वेश्चन नंबर 42 है, अंडे की जर्दी में बसा होता है, जो अंडे की जर्दी में बसा होता है वो 32.5% होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संपूर्ण अंडे में प्रोटीन पाई जाती है, ये 11.8% प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कुड़क मुर्गी के मांस को कहते हैं, ये टेंडर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में अंडों की खपत प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कितनी है? 57 अंडे। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि कुक्कुट पालन में अंडोत्पादन हेतु मादा व नर का अनुपात होना चाहिए 10:1 यानी कि 10 मुर्गी पे एक मुर्गा। क्वेश्चन नंबर 47 है, संपूर्ण अंडे में जल की मात्रा होती है, ये 66.5% होती है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन ये 34% जो स्वेतक होता है और 18 ग्राम जर्दी होती है, 34 ग्राम जो होती है वो स्वेतक होता है और 18 ग्राम जर्दी होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मुर्गी के अंडे का औसतन भार होता है, ये एवरेज भार 58 ग्राम होता है, कहीं कहीं 57 ग्राम भी लिखा है। भारत में मुर्गी पालन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपको थर्ड सेमेस्टर की आज सारी वीडियो इस एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।